बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन कराम, सोशल मीडिया पे आप आजकल देख रहे हैं हमारे कुछ लड़के और लड़कियां, बच्चे और बच्चियां किस तरह टिकटॉकर सिर्फ बेशर्मी और बेहयाई तो कम है, अगर फहाशी और उरियानी की हद तक जाके, बदखलाकी की हद तक जाके वो टिकटॉकर बना के और बड़ा बासे फ़ख्र बन के, और हमारे पास मोमिनीन बानियान मजालिस जो हैं वो, चूँकि ये बच्चे टिकटॉकर ये मशहूर हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, फिर इन्हें इनको मजालिस पढ़वाते हुए मिंबर हुसैनी पर बैठ गए, वही जो कल फाशी बेहयाई उरियानी बद अखलाकी का दर्स दे रहे थे, अब मिंबर हुसैनी पर बैठ के वो उन बीबियों के मसाइब पढ़ रहे हैं जो कि शर्म व हया का पैक करती, जो कि इखलाकियात सिखाने के लिए आई थी, जो कि दुनिया को इंसानियत के ढंग सिखाने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम आए थे, तो फिर ये उनकी बातें। और फिर उसके बाद मैं अपने इन शिया बच्चे और बच्चियों, लड़के और लड़कियों को अर्ज़ करूँगा, आप बनाएं वीडियोस, आप टिकटॉकर बने, मशहूर हों, लेकिन इसका इस्तेमाल इस तरह भी तो हो सकता है ना, आप अहले बैत की सीरत में रहते हुए टिकटॉक पे वीडियोस आप अपलोड करें, वहाँ नमाज रोज़े की तरगीब का बताएं, हमारी बेटियाँ वहाँ शर्मो हया पर्दे के ढंग सिखाएं, वहाँ दीन के बारे में ऐसे ड्रामाई अंदाज में ऐसी वीडियो अपलोड करें जिससे वालदैन का अदब व एहतराम करना सीखा जाए, जिससे बड़ों से बात करना सीखा जाए, जिससे दीन के अहकामात अहले बैत की सीरत सीखी जाए। तो बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी और फिर मिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम पर आ जाना, फिर वही हरकात जो कि बद अखलाकी है, जो कि आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत के मनाफी है, इससे मिशन हुसैन अलैहिस्सलाम को क्या नुकसान पहुंचना है। इमाम फरमाते हैं हमारे लिए बासे फ़ख्र बनो, बासे नंगो आर न बनो, आइमा अलैहिस्सलाम में फरमाते हैं तुम्हारी इन हरकतों से क्या होगा कि मसलक बदनाम होगा। आज वो टिकटॉकर है, कल वो मिंबर हुसैनी पर बैठा है, चाहिए तो ये है कि पहले अपना तज़किया नफ्स करे, अपने नकायस, मैं, आप, हम सब, हमारी बेटियां, बेटे, अपने ऊपर गौर व फिक्र करे, कुछ नक्स गलतियां कोताहियां हैं वो दूर करे, फिर अहले बैत की हयात तैयबा को पढ़ें, स्टडी करें, फिर आके यही अल्लाह ने इज़्ज़त दी है ना, अल्लाह ने शोहरत दी है ना, फिर मिंबर हुसैन अलैहिस्सलाम पर वजूद रूह पाको पाकीज़ा हो, फिर दरस अहले बैत हमारी बेटियां बताएं कि कनीज़े ज़ैनब कैसी होती है, कनीज़े फ़ातिमतुज़्ज़हरा, कनीज़े जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, उनका बाहर निकलना कैसा होना चाहिए, वो ऐसा अपने टिकटॉक के ज़रिए से अपना रहन सहन, इखलाकियात, अब बात कैसे करनी है, बाज़ार में चलना कैसे है, स्कूल में कैसे जाना है, ऐसा दर्स मीडिया के ज़रिए से, ऐसा दर्स मजालस के ज़रिए से, ऐसी इखलाकियात अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, बाहर बताई जाए, जो हमारे लिए, हमारे आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए बासे फ़ख्र हो, मसलक के लिए बासे फ़ख्र हो, फ़िका के लिए बासे फ़ख्र हो, हमारे बुजुर्गान के लिए बासे फ़ख्र हो, और यही हमारी दुनिया और आखरत में निजात का ज़रिया बन जाए। तो इससे रुकना नहीं चाहिए, हर चीज़ के मनफी और मुसबत पहलू होते हैं, हमें मुसबत पहलू को चुनना है। खुदावंद आलम बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए।